नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे छात्र के बारे में जिसके खाते में अचानक से इतने पैसे आ गए कि वह बन गया रातों रात करोड़पति। बिहार में लोगों के बैंक खातों में अचानक पैसे आने का सिलसिला अभी भी जारी है। पहले खगड़िया के एक युवक के खाते में 5.5 लाख रुपये आए और अब कटिहार जिले में 2 छात्रों के खाते में 960 करोड़ रुपये आ गए हैं। बता दें कि इतनी बड़ी राशि छात्रों के खाते में आने के बाद से बैंक अधिकारी भी हैरानी में है। बता दें कि छात्रों के खाते में पैसे आने की खबर जैसे ही गांव में फैली, वैसे ही सभी छात्रों ने अपने अपने खातों को चेक करना शुरू कर दिया। बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम आजमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां बघौरा पंचायत स्थित पस्तिया गांव में 2 स्कूली बच्चों के बैंक खातों में 960 करोड़ रुपए आ गए। दरअसल उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक के खाता धारक कक्षा 6 में पढ़ने वाले आशीष के खाते में 6,20,11,100 और गुरुचरण विश्वास के खाते में 90,52,21,223 रुपये अचानक से उनके खाते में आ गए। इस पूरी घटना को लेकर शाखा प्रबंधन मनोज गुप्ता ने कहा कि दोनों बच्चों के खाते में भुगतान पर रोक लगा दी गई है, साथ ही इस मामले की जांच भी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना के बारे में वरीय पदाधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। इस घटना के बाद से बैंक अधिकारी सहित सभी लोग हैरान हैं कि साथ ही साथ छात्रों के परिजनों को भी यह पता नहीं है कि उनके बच्चों के खाते में इतने पैसे कहां से आ गए। इधर इस पूरे घटना के बाद से कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में बैंक अधिकारियों से बातचीत की है। प्रारंभिक जांच में इसके जो है तकनीकी खराबी के कारण जो मिनी स्टेटमेंट में इतनी बड़ी राशि दिखाई जा रही है, छात्रों के खाते में कुछ भी राशि क्रेडिट नहीं की गई है। बैंक के सीनियर ऑफिसर को इस बारे में सूचना दे दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों खगड़िया से भी एक ऐसे ही घटना यानी कि ऐसे ही एक मामले की पुष्टि हुई थी, जिसमें रविंद्र दास नाम का एक व्यक्ति ने खाते में अचानक से 5.5 लाख रुपए आ गए। खाते में पैसे आने के बाद से उसे लगा कि उनके खाते में पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो है पैसे डाले हैं, जिसके बाद से वह पैसे निकाल कर खर्च करना शुरू कर दिया। अब बैंक रंजीत दास के पास से नोटिस भेजा। रंजीत दास ने पैसे देने से साफ तौर पर मना कर दिया। अब बैंक की ओर से रंजीत दास पर FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ऐसे में बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो है लोगों के खाते में अचानक से पैसे आ रहे हैं। ऐसी 2 घटनाएं जो है हमारे सामने है, एक कटिहार से और दूसरा जो घटना है वो खगड़िया से आया था। इस पूरे मामले को लेकर बैंक अधिकारी लगातार जो है जांच कर रहे हैं। शुरुआती जो जांच हुई उसमें पता चला है कि यह तकनीकी खराबी है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।